यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। साल 2017 में गोरखपुर में जिस तरह से बाढ़ आई थी उसकी तबाही को देखते हुए जिला प्रशासन इस बार मुस्तैद नजर आ रहा है। इसी के लिए जिला प्रशासन ने बाढ़ की कंडीशन में बचाव को लेकर राप्ती नदी पर मॉक ड्रिल किया, जिसमें एनडीआरएफ, सेना सहित कई विभागों के लोग अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाते नजर आए। मॉक ड्रिल के दौरान जहां पानी में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर बाहर निकाला, तो वहीं स्वास्थ्य विभाग इसमें घायल लोगों को ट्रीटमेंट देने में लगा रहा। इतना ही नहीं, नदी में पलटी नाव में डूब रहे लोगों को भी एनडीआरएफ की टीम ने बचाया और इसके साथ साथ बाढ़ प्रभावित गाँव में एयरफोर्स की टीम ने हेलीकॉप्टर से राहत सामग्री भी गिराई। जिलाधिकारी विजेंद्र पांड्यान ने यह कहा है कि इस मॉक ड्रिल के माध्यम से विभागों को अलर्ट किया जा रहा है कि बाढ़ आए तो वो अपनी जिम्मेदारी कैसे निभाए, इसी का मॉक ड्रिल में नजारा देखने को मिला।